रसोई में जलेबी बनाने वाली हूँ। इसकी सामग्री यह है, मेरा पहला सामग्री है मैदा, मैं दूसरी सामग्री है चीनी, मैं तीसरी सामग्री फूड कलर। मैंने पेस्ट तैयार करके रखा है, इसका बनाने की विधि यह है, डिस्प्ले पर आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैदे को पानी में घोल लीजिए, चार पाँच घंटे के लिए रख दीजिए, उसमें चार घंटे के बाद उसमें इनो मिला लीजिएगा। अब फूड कलर अच्छे से उसमें मिला लीजिए, अब आपका पेस्ट तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड, ये मैदे को हम घोल लिए हैं, ये देखिए मैदा ऐसा होना चाहिए, इसमें कलर जो पड़ेगा तो ऐसा ही हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं कढ़ाई में। चाशनी बनाने के लिए ये सामान उपयोग में होगा, पहला सामान पानी है, दूसरा सामान चीनी है। चलिए चाशनी बनाते हैं। चाशनी बनाने की यह विधि है, चाशनी बनाने की ये है, चीनी है, ये पानी है। अब हम जा रहे हैं चाशनी बनाने। इसमें हम जो क्या करते हैं, एक गिलास पानी डाल दिए और दो कप चीनी डाल दिए हैं। ये देखिए चाशनी हम बना के रखे, देखिए मेरी चाशनी बन रही है, पांच मिनट मेरी चाशनी बन जाएगी। देखिए मेरी चाशनी तैयार हो गई रही है। देखिए हम कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें तेल डाल दिए हैं, रिफाइंड डाले हैं, और ये हम आकर के जो बनाए हैं रेसिपी, ये अपना ले आए हैं जलेबी बनाने के लिए। तो ज्यादा देर तक पकाइए, लाल हो जाने दीजिए। ये सुंदर, ये देखिए ये हमारी जलेबी है, देखने में कितनी सुंदर लग रही, कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको यह जलेबी पसंद आती है बना के, आप देखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।